ढाई साल की जो रिग्रस जो जर्नी रही, उसके बाद फाइनली हमें ये पेटेंट जो है ये ग्रांट हुआ है। सो आई विल टोटली गिव क्रेडिट टू द इकोसिस्टम दैट हैज बीन क्रिएटेड इन दिस यूनिवर्सिटी फ्रॉम प्रीवियस कपल ऑफ ईयर्स। एक्चुअली ये बात है 2019 की, जब मैं यहाँ पे PhD में एडमिशन हुआ था फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडोरा में। सो मैं श्रीनगर में रहता हूँ घर में, तो जब मैं घर से जा रहा था कॉलेज की तरफ फ्रॉम स्टार्टिंग डेज ऑफ माई PhD, सो रास्ते में मैं, तब ऑटम का सीज़न था लकीली, तो मैंने रास्ते में देखा हर किसी जगह मतलब धुआं ही धुआं था। तो मैंने सोचा कि ये कुछ मसला है, क्योंकि ये मतलब नॉर्मल सी चीज़ नहीं, इतना सा धुआं, तो ये आखिरकार इस कहाँ जा रहा होगा। तो जब मैंने इस पे ध्यान दिया ये क्या है, तो मैंने देखा कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर रेजिड्यूज़ हैं वो फार्मर्स ओपनली बर्न करते हैं, तो इससे बहुत सारा जो एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है हर साल हमारे प्रोडक्शन सिस्टम, जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम है। तो मैंने जब एक सर्वे किया कि अभी हमारे पास कितने अवेलेबल ऑप्शन है इसको ट्रीट करने के लिए, एंड यू विल बी शॉक्ड एट दैट टाइम, मतलब मैंने कोई ऐसा एक रोबस्ट कोई मैकेनिज्म देखा ही नहीं कि हमने इसको कैसे सस्टेनेबली मैनेज कर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि लेट्स टेक अ चैलेंज और अपने PhD में मैं इसको एक रिसर्च प्रॉब्लम की तरह लूँ। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे ट्राइज की, हिट एंड ट्रायल्स, तो मैंने फाइनली एक प्रोटोटाइप, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जो एक IoT बेस्ड मल्टीपर्पज़ पायरोलाइजर कम कुकर कम हीटर है। मतलब ये एक पायरोलिसिस सेटअप है जिसमें आप कुकिंग भी कर सकते हो और आप यहाँ पे टेम्परेट रीजन में विंटर्स में हीटिंग भी कर सकते हो। लकीली उसी वक्त हमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी में नहब था, तो उसमें अभी जो इर्सवाइल ऑनरेबल वाइस चांसलर सर है, वो अभी तब PI थे नहब में, तो तब उन्होंने एक कॉल दी थी कि जिसका भी कोई इनोवेटिव आइडिया है वो हमारे पास प्रेजेंट करें या उसकी डिटेल्स बताएं, हम कैसे मतलब आपका क्या विजन है, तो असेसमेंट होगी, तो अकॉर्डिंगली हम आपको मतलब हैंड होल्डिंग करेंगे, मेंटरिंग सपोर्ट करेंगे। एंड लकीली आई प्रेजेंटेड दैट आइडिया एंड आई गॉट इनोवेशन ग्रांट ऑफ अबाउट 1.25 लाख रुपीज़ एट दैट टाइम ज्यूरिंग माई स्टार्ट ऑफ माई PhD। तो उससे मुझे बहुत बूस्ट मिला, क्योंकि एक स्टूडेंट के पास फाइनेंस एक बहुत बड़ा इशू होता है, आपको अगर छोटा सा सीड मनी मिलता है आपको बहुत मतलब ये मिलता है बूस्ट अप, और मेंटरिंग जो कंटिन्यूस हमें तब मिली, तो उससे हम चलते गए तो हमने एक उस आइडिया को ट्रांसलेट इनटू प्रोडक्ट में किया। तो 2019 में मैंने इसको पेटेंट अप्लाई भी किया और 3 साल 2.5 साल की जो रिग्रस जो जर्नी रही, उसके बाद फाइनली हमें ये पेटेंट जो है ये ग्रांट हुआ है। आपको ये जानकर खुशी होगी ये पहला स्टूडेंट पेटेंट है जो PhD रिसर्च में सुकॉस्ट में मिला है, जिसको हम ट्रांसलेशनल रिसर्च बोलते हैं, यानी कि हम PhD में खाली PhD करने के लिए नहीं आए, वी डेवलप्ड अ फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग अवर PhD। मोस्टली स्टूडेंट्स दे आर इंस्पायर्ड बिकॉज आई डेली इंटरेक्ट विद सम ऑफ माई जूनियर्स कोलीग्स, दे गेट इंस्पायर्ड बाई दीज एक्टिविटीज़ एंड दे आस्क फ्राम मी क्या सर ये कैसे करना है, पेटेंट क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, दे गेट इंस्पायर्ड ऑन डेली बेसिस। जब भी हमें कहीं पर मौका मिलता है चाहे किसी भी लेवल में, हम ये इमेजिन करते हैं कि हम भी एक वक्त में उसी स्टेज में थे जिस स्टेज में हम तब अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर सर के पास गए थे, जब हमारे पास मतलब कोई सपोर्ट नहीं था, कोई मेंटरिंग नहीं था, वी वर जस्ट रफ विद अ रफ आइडिया। तो अभी जो स्टूडेंट्स है ये अब हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि हमें अब जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करना है, हमें खाली खुद ही इनोवेटर नहीं बनना है, वी हैव टू प्रिवेल दिस इकोसिस्टम टू अदर स्टूडेंट्स एंड कमिंग जनरेशन ऑल्सो।